दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया एप्लीकेशन आ चुका है जिसका नाम व्योम है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से आप स्टेटमेंट इस ऐप से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ से इसको लॉग इन कर लेना है। आपका जो भी पासवर्ड है उससे आप यहाँ पर लॉग इन हो जाना होगा। बेसिकली एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। पहले के मुताबिक सब कुछ यहाँ पर आपको चेंजेस और न्यू आपको अपडेशन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस करना रहता है। इसमें कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अब सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें सब ऑप्शन सामने ही देखने को मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए, यहाँ पर एक मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन आता है जिसमें लास्ट एक 5 ट्रांजेक्शन से ज्यादा आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक स्टेटमेंट का ऑप्शन आता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कितने समय का स्टेटमेंट जी, मान लीजिए आपको 1 साल का चाहिए तो आप यहाँ पर लास्ट 12 महीने सेलेक्ट करेंगे। 6 महीने का चाहिए तो आप इस पे 6 महीने का भी देख सकते हो, और लास्ट महीने का चाहिए तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर, अगर आपको डेट चाहिए, डेट वाइज चाहिए, तो यहाँ पर स्टार्ट डेट करके और एंड डेट 16/11 से 16/11 तक, इस डेट के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। तो चलिए, मान लीजिए हम यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर अभी तक का निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा 1 जनवरी, यहाँ पर 1 जनवरी से अभी तक का निकालना है। अब आगे क्या करना है, सिंपली गो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। या आप डायरेक्टली पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो अभी डाउनलोड हो जाएगा, मेल पे क्लिक करेंगे तो मेल पे आपको सेंड किया जाएगा। तो आपको पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड रहेगा, और आपकी जो बेसिकली दोस्तों आपका जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसका पासवर्ड क्या रहने वाला है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड आपका रहेगा, मान लीजिए आपका नेम यहाँ पर, जैसे कि मेरा नाम है गौरव, तो स्टार्टिंग के आपको 4 डिजिट कैपिटल में डालना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, डे मंथ ईयर इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद उस फाइल को आपको ओपन कर लेना है। तो नीचे आप सिंपली पीडीएफ का ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब चलिए मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ। इसका पासवर्ड यहाँ पर रहने वाला है, आपको स्टार्टिंग के कैपिटल में डालना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो पासवर्ड रहने वाला है वो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको सबसे पहले कैपिटल में अपने इस नाम के शुरू के स्टार्टिंग के 4 डिजिट आपको कैपिटल में डालना है। उसके बाद मंथ आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जैसे कि डे, मंथ और ईयर, ठीक है। इस तरीके से आपको डाल देना है और आपका स्टेटमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।